Then till now we have done about the limitations of planning, chapter number 4, class 12, and we have completed our process that planning does not give guarantee to success. Planning is time consuming and planning involves huge costs. शायद इतना हो गया था ना? Now heading डालो, planning reduces creativity. Planning reduces. अरे वाह, तो आपने बता दिया था सबके आंसर? इतना स्लो क्यों बोला? किसका नहीं बता पाए ये बताओ। अरे जैसे तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप मुझे क्यों नहीं बताते, मुझे बताओ, मैं उसके आंसर करवाऊंगी आपको। चलो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको सुने ना, तो आपने हैंडबुक उसको कॉपी में ड्राफ्ट बना लेना, ड्राफ्ट बोले तो एक लिख लेना कॉपी में, ताकि जो आपकी मिस्टेक्स है वो आगे ना हो। वही तो काम है मेरा आपकी, ताकि मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना वो आगे रिमूव हो। मतलब कितने में से आपके दो गलत थे आउट ऑफ? अच्छा, वैसे दे रही है ना सबके आंसर? चलो अच्छी बात है। मैं तो क्योंकि बहुत डीप चीजें करवाती हूँ, बहुत डीप, इससे ज्यादा मैं तो नोट्स इतने बड़े बड़े एक चीज के लिखवाती हूँ, उससे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग होता ही कुछ नहीं लिखने के लिए। लेकिन तो भी अगर आपके जो डाउट हो ना वो अपनी कॉपी में लिख लिया करो, ताकि सो दैट तो आपके फर्दर डाउट ना रहे। ओके बच्चे, चलो हेडिंग डालो, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बोलो। हाँ बोलो, क्या था? बस वो फिर रहने दो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो मैंने चैप्टर्स करवाए हैं, मैं तो उसी चीज की गारंटी ले सकती हूँ ना कि आपको वो आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड का मैं कुछ नहीं ले सकती। फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट तो मिली आपको आता है, तो सेकंड में जरूर करवाऊंगी आपको, क्योंकि सेकंड चैप्टर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो मैं करवाऊंगी, बट एक बार मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो जब मैं बैक में चलूंगी ना, तो उसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल्स वाला करवा दूंगी। बस मेरा तो यही है ना, जितना आपने जो चीजें मेरे पास की हैं आप उसमें परफेक्ट हो, मेरा तो यही टारगेट है। चलो बच्चे लिख ली, फर्स्ट पॉइंट लिखो। प्लानिंग इज ऑल्दो, प्लानिंग इज ऑल्दो एन इंटेक्चुअल एक्टिविटी, एन इंटेक्चुअल एक्टिविटी, विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, बट दैट क्रिएटिविटी, दैट क्रिएटिविटी इज डन बाय बट टॉप लेवल मैनेजर्स और प्लानर्स ओनली, द टॉप लेवल मैनेजर्स और प्लानर्स ओनली। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लानिंग इज ऑल्सो, प्लानिंग इज ऑल्सो इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल एज ऑल द मेंबर्स
ऑल द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द बॉटम लेवल और मिडल लेवल मैनेजमेंट बॉटम लेवल और मिडल लेवल मैनेजमेंट हैव टू फॉलो द प्लान्स एंड पॉलिसीज have to follow the plans and policies made by the top level managers in exactly the same way in which they have implemented in the company. Next point. Even though THOUGH, even though they are much creative then also they are unable to give a reform in the plans because they are not allowed to do so. Next point. In many companies, there are centralized way of decision making and their employees are not supposed to raise their voice against them. Next point. Ultimately, which they stop giving suggestions and the overall creativity of the company is reduced. Then अब मेरी बात सुनो, ये जो हमारा लिमिटेशन है ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है। क्यों बताए, हमारे बोर्ड में जब मैंने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए थे,
तो उसमें 3 मार्क्स का पहला पेज खोलते ही बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब आप होते तो आप क्या लिखते हैं, व्हाट पहला 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब 1-1 मार्क्स के बाद, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आप क्या लिखते हैं, मतलब उसके इम्पोर्टेंस लिखते हैं, लिमिटेशंस लिखते हैं? वो तो आप मेरे स्टूडेंट हो ना, इसलिए आपको पता है, बट काफी बच्चे ने ना, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने क्या किया, उन वो ना जान के, जैसे कह सकता है ना, मैंने ऑक्सीमोरन, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स, उन वर्ड्स को लिखते हैं इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस। उनका कहने का मतलब जो होता है, जो महत्वपूर्ण लिमिटेशंस है उनकी, वो बताओ। लेकिन बच्चे इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। मैं कह रही हूँ ये लिमिटेशंस कम से कम 3 मार्क्स की तो हमेशा ही आती है, ज्यादा आने को 8 मार्क्स तक कितनी भी आ सकती है। सो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहले हम आज करेंगे हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग 4th पॉइंट, वैसे 3rd पॉइंट वो ये है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस क्यों करती है, वो इसलिए करती है, देखो प्लानिंग में प्लान्स बनाता कौन है, हु इज सपोज टू फ्रेम द प्लान्स फॉर द कंपनी, टॉप लेवल मैनेजर्स या प्लानर्स, स्पेसिफिकली भी प्लानर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका काम होता है टू क्रिएट द प्लान्स। और प्लान्स की क्या कह सकते हैं हम, प्लांट्स जो होते हैं उनके हमारे क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, अच्छे तो होने चाहिए, प्लान स्ट्रेटेजिक होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक मतलब हाँ, स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति, तुम्हारी बिजनेस में रणनीति क्या है। मैंने कई बार ये आपको बात बता रखी है कि आप अगर सपोज करो, आप चॉकलेट मेकिंग आपकी कंपनी है चॉकलेट की, तो ऑलरेडी आपको न्यू अपनी चॉकलेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, कुछ भी नाम रख लो, अगर आप न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग डेयरी मिल्क की है या मंच पर की जो भी है मिल्की बार वगैरह, तो तुम्हारे अंदर वो क्या क्वालिटी है जो दूसरा बंदा, दूसरे कस्टमर उन अपने एग्जिस्टिंग कंपनी को छोड़कर तुम्हारे पास आए, ये होता है स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग यानी रणनीति। तुम अपने कस्टमर को ऐसी क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो कि जो उनके पास से छोड़ के तुम्हारे पास आए, व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग देम, व्हाट आर यू गिविंग देम, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। मीन्स द प्लान्स मेड बाय द प्लानर्स और द टॉप लेवल मैनेजर्स शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट दे मे इंक्रीज द स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, दे मे सर्विसेज। समझ गए? मैं मानती हूँ कि जो प्लानर्स होते हैं उनकी एक अपनी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज होती है काम करने की। देखो जिसका काम ही पूरे दिन से प्लान्स बनाना, तो उसका दिमाग तो तेज चलेगा। आई डू एग्री दिस पॉइंट। ये भी मानते हैं कि जो प्लानर्स होते हैं वो अपना काम बहुत बखूबी निभाते हैं जिससे कंपनी ज्यादा समय तक चले, बट कितना भी कोई बंदा क्रिएटिव हो, लेकिन एक एक होता है दो प्यारा होता है। मतलब अगर आप कितनी भी होशियार प्लानर हो, आप कितनी भी इंटेलिजेंस प्लानर हो, लेकिन ना अगर आप अपने प्लान्स बनाते समय हर बंदे की एडवाइस ले लोगे, एडवाइस तो फ्री की होती है, कोई पैसे तो लगता नहीं उसका, आप सबके एडवाइस ले लोगे, तो उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी कंपनी में हर बंदे का एक तो मॉरल इंक्रीज करोगे। अगर मैं आपसे एडवाइस लूँ कि ईशा आप मुझे बताओ कि मैं आगे लाइफ में क्या करूँ, तो एक तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई आपने मुझे इस कैपेबल समझा कि आप मेरे से एडवाइस दे रहे हो, तो एटलीस्ट सुना मैंने आपको। ऐसे अगर कोई प्लानर्स हैं वो अगर हर कंपनी के एम्प्लॉयज को चांस दे, बोले कि तुम आओ और बताओ कंपनी को कैसे अपलिफ्ट करना चाहिए, पहली बात तो कस्टमर का मॉरल इंक्रीज, सॉरी एम्प्लॉयज का मॉरल इंक्रीज होएगा। मॉरल मतलब उनको ये लगेगा हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी इतने कैपेबल है, इतने योग्य हैं कि हम अपनी एडवाइस दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि क्या पता किसी के दिमाग में क्या आइडिया हो। देखो एक पेड़ से एप्पल गिरा, एक पेड़ से एप्पल गिरा,
जो न्यूटन है उन्होंने एप्पल तो गिरते हुए सबने देखा, लेकिन न्यूटन ने उसमें एप्पल नहीं, न्यूटन ने उसे एप्पल गिरते हुए नहीं, न्यूटन ने समझा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखने का नजरिया अलग होता है, हर इंसान का देखने का काम करने का नजरिया अलग होता है। हो सकता है मैं अपने फील्ड में बेस्ट हूँ, बट ये हो सकता है कि मेरे जितना भी कोई हो, ये भी मैं मान सकती हूँ, बट हो सकता है जो उसके पास बात हो वो मेरे अंदर ना हो, जो मेरे अंदर बात हो वो उसके अंदर ना हो। तो मेरा कहने का आपसे ये मतलब है कि भले ही प्लैनर्स कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी हार्ड वर्किंग, गुड वर्किंग कैपेबल एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन अगर वो हर पर्सन को अपनी क्रिएटिविटी शो करने का मौका देते हैं, अगर वो हर इंसान को अपनी क्रिएटिविटी शो करने का मौका देते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आपकी कंपनी में आपकी हर बंदे के पास जो अलग आइडियाज होंगे वो आपके पास गैदर होंगे। कोई ये थोड़ा कह रहे कि तुम उनकी बात सुनो ही सुनो। जस्ट टेक अ काइंड सजेशन, जस्ट टेक अ वार्म सजेशन, आप एक सजेशन ले लो। आपको मानना है अपने प्लांट्स में या नहीं मानना, दैट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है, मानो या मत मानो, पर आप उनका सजेशन सबका लो, क्योंकि उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनके पास सोचने की क्षमता बढ़ेगी। वरना अधिकतर कंपनी में सेंट्रलाइज्ड तरीके से प्लांट्स बनते हैं। सेंट्रलाइज्ड मतलब नहीं, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? हाँ, टॉप लेवल बोलो या एक पर्सन बोलो, वन सिंगल पर्सन के हाथ में पावर होता है, एक क्षत्रिय राज। तो अधिकतर प्लानिंग में, तो आजकल मैं ये तो नहीं कह रही कि पूरी कंपनी सेंट्रलाइज तरीके से चलती है, बट आजकल काफी कंपनियों में डिसेंट्रलाइजेशन आया है, लेकिन प्लांट्स बनाने के लिए नहीं। प्लांट्स तो टॉप लेवल ही बनाते हैं, हायर लेवल या सिंगल ही बनाते हैं। तो फिर क्या करता है, तो कोई अपनी क्रिएटिविटी शो ही नहीं कर पाएगा, अपनी बात ही नहीं रख पाएगा, तो वो क्या कहेगा? भाई हमें तो फॉलो करना है जो ऊपर वालों ने कह दिया। ऊपर वाले मतलब भगवान नहीं, ऊपर वाले मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो कह दिया हमें तो उनकी बात ही माननी है। तो उनकी क्रिएटिविटी कम होती है, वो डंप होते हैं, उनको अपने स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिलता, उनको अपनी कैपेबिलिटीज शो करने का मौका नहीं मिलता, जिससे उनका मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्लानिंग इज नॉट डायनामिक, प्लानिंग इज नॉट डायनामिक। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एवरी प्लांट्स मेड इन अ कंपनी, एवरी प्लांट मेड इन अ कंपनी इज क्वाइट स्टेबल एंड दे आर नॉट चेंज एंड दे आर नॉट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली विच मीन्स, कॉमा डाल के उसी पॉइंट में लिखो, विच मीन्स प्लानिंग इज अनडायनेमिक इन नेचर, विच मीन्स प्लानिंग इज अनडायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द अदर हैंड बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक। बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द रीजन बिहाइंड अनडायनेमिसिटी
अनडायनामिसिटी, अनडायनामिसिटी मतलब अनचेंजेबिलिटी। द रीजन बिहाइंड अनडायनामिसिटी, स्पेलिंग बोलो। ओके, अनडायनामिसिटी इज दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फ्रेम अ प्लान, टू फ्रेम अ प्लान एंड इफ those plans are changed at a higher speed then the money, comma, efforts and time of the managers is waste. डन। चल अब मेरी बात सुनो। प्लान हमारा, हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरमेंट हमारा डायनामिक होता है। बिजनेस एनवायरमेंट का डायनामिक क्यों होता है? व्हाई? वो चेंज होता है। अब हम ये कहें कि बिजनेस एनवायरनमेंट कोई बनाता है, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कोई बनाते हैं क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को? वो तो अपने आप फोर्सेस होती है जो बनी बनाए होते हैं, लेकिन प्लानिंग में प्लान्स को लोग बनाते हैं। वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू टर्म्स विद ईच अदर। हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते। प्लानिंग में तो हमारे प्लान्स बनाए जाते हैं, और ये आपने इसकी पहले भी लिमिटेशन लिखी है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग को करने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारी लेबर एंड बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो कम से कम प्लानिंग, कम से कम मिनिमम 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल की होती है। अगर आपको भी हर रोज हम अपने प्लान्स बना रहे हैं तो नहीं, देखो फिर तो इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाएगा और उसका रिजल्ट भी नहीं देखा जाएगा। हर वक्त प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग एक निर्धारित समय के बाद होती है। और इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर तुम एक निर्धारित निर्धारित समय के बाद एक काम को करते हो, तो उससे ये होता है कि जो तुम्हारी प्लानिंग होगी, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रीवियसली मेड प्लान हमारे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, नॉर्म्स, कंसिडरेशन है या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग हमारी एट एनी कॉस्ट हर रोज चेंजेबल नहीं होती, और वो हमारी डायनामिक नहीं होती। इसका रीजन ये है कि प्लान्स में थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, थोड़ी स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग स्टेबलाइज नहीं होगी तो हर वक्त, हर रोज, हर दिन अगर प्लान चेंज होएगी तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपकी कंपनी का लॉस होएगा, आपकी कंपनी में कह सकते हैं पैसे का लॉस होगा, आपकी कंपनी में टाइम का लॉस होगा, एफर्ट्स का लॉस होएगा, और बेफजूल में आपके कंपनी को पीछे जाना पड़ेगा अगर आप हर रोज अपने प्लानिंग कंसिडरेशन चेंज करते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग के प्लान्स थोड़े बहुत स्टेबलाइज होने चाहिए। समझ गए? लास्ट छोटा सा ही पॉइंट है। देखो, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। फर्स्ट फॉर्म लिखो, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक,
प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड ऑल द प्लान्स एंड ऑल द प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर कॉन्सिडरेशन द फ्यूचर कॉन्सिडरेशन फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट once the plans are made they have to achieve their target for which they are made in the company. Full stop. Next point. If the plan is applied in the company, then it is not changeable. Unless and until that particular target is achieved. Unless and until that particular target is achieved. But चलो मैं बताऊं. प्लानिंग हमारी rigidity को क्रिएट कर दे. प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिगिडिटी? वेरी गुड. इनफ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल, जो चेंज नहीं होती थोड़े थोड़े समय में. तो प्लानिंग हमारी इनफ्लेक्सिबल होती है. देखिए, प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए होती है. बट एक बार वो आपके जो प्लान्स बन जाते हैं तो वो उन प्लान्स को एटलीस्ट तब तक तो रहना पड़ता है, एटलीस्ट तब तक तो फॉलो अप करना पड़ता है जब तक वो प्लान्स का जिस काम के लिए वो बने हो उनका वो रिक्वायर्ड टारगेट अचीव नहीं होता. क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर प्लानिंग आपकी एक काम को करने के लिए हुई है या एक वर्क को अचीव करने के लिए हुए तो तब तक आपकी प्लानिंग कंप्लीट नहीं होती जब तक आपका वो पर्टिकुलर वर्क अचीव नहीं हो पाता. लेट अस सपोज कि अगर आपकी प्लानिंग एक कोई प्रोजेक्ट के लिए हुई है, सपोज करो स्वच्छ भारत अभियान के जो मैन वर्कर्स है उनके लिए कोई जो कोऑर्डिनेटर वॉलेंटियर्स हुए उनको अचीव करने के लिए हुआ, तो तब तक वो प्लानिंग आपकी रुकेगी नहीं जब तक आपकी वो जो स्वच्छ भारत अभियान का गोल था कि आप अपनी क्लीन इंडिया कर